लोग कलर देख के काफी रेजिस्ट करते हैं कि ब्लैक आइसक्रीम है, कैसे लोगों को बहुत कम ही पता होता है कि ब्लैक कलर में भी आइसक्रीम अवेलेबल हो सकती है। इसका टेस्ट ऑनेस्टली बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि इसको बेस्ट आइसक्रीम एंड डिजर्ट पार्लर का अवार्ड भी मिला है। यहाँ पे आपको मिलेंगी 28 टाइप्स की डिफरेंट डिजर्ट्स, और साथ साथ में ये बनी हुई है प्योर काओ मिल्क से, यानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होंगी वो है प्योरली फ्रेश एंड वेज। तो जल्दी से चलते हैं और यहाँ की और भी डिशेस ट्राई करते हैं। डेजर्ट्स तो ट्राई कर ही लिए थे, एक था चारकोल आइसक्रीम और एक थी 24 कैरेट गोल्ड आइसक्रीम, दोनों ही थे बहुत अमेजिंग। जब मैं इनका इंस्टाग्राम पेज देख रही थी तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट सर्व होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ आपको पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर सब मिलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर लिए सारे हॉट सेलिंग आइटम्स ऑर्डर। तो क्यों ना एक एक सक करके सबको ट्राई करें। तो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगी यहाँ का फ्रायो टार। तो इसको सबसे, इसकी तो प्रेजेंटेशन देखा कितनी अमेजिंग है, सबसे हटके है। कभी आपने ऐसे देखा है कि ऊपर फ्राइज़ और नीचे ड्रिंक्स? और मैंने सुना है कि जो फ्राइज़ के ऊपर आप देख सकते हैं जो सॉस है इसमें, जो दोनों सॉस हैं यहाँ की सॉस है, प्रॉपर यहीं बनाई जाती है ये सॉस। तो फिर सॉस के साथ ही इसको ट्राई करते हैं। तो ये तो मैंने ट्राई किया फ्रायो टार। अब सब कुछ भी ट्राई करना है ना, एक डिश से तो पेट नहीं भरेगा। तो अब मैं ट्राई करूँगी यहाँ के रेट्रो पैनकेक्स। आहा, वाइट और ब्राउन चॉकलेट में डिप, मज़ा, जन्नत, यूनिवर्स, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपके लंच ब्रेकफास्ट दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्नैक्स हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो। अब वाइट चॉकलेट भी ट्राई करते हैं, सुपर सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है। लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं कुछ नमकीन खाने से, कुछ चटपटा खाने से, मैंने स्टार्ट किया डेजर्ट्स के साथ। तो अब खाने की बारी है कुछ इटालियन, और मैं ट्राई करने जा रही हूँ यहाँ का पास्ता। जब आप पेज इसका देखते हैं ना तब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट सर्व होता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर्स सब मिलता है, वन स्टॉप प्लेस फॉर एवरीथिंग। बहुत अमेजिंग है, सच में अमेजिंग है, बिकॉज ये डेजर्ट पार्लर है तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ का पास्ता ओके होगा, बट ओके नहीं, बहुत अच्छा है। कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसमें, गार्लिक ब्रेड भी दी गई है आपको साथ में, जैसा टेस्ट है उस हिसाब से प्राइजेस एकदम ऐप। तो अब इसका ट्राई करते हैं शेक। इस शेक का नाम है यूनिकॉर्न शेक, जिसका कलर ही बता रहा है, इसमें पिंक और ब्लू दोनों कलर्स हैं। शेक ट्राई करना तो बनता है, बहुत अच्छा है। पी के पता है कैसा लगा, बचपन में हम खाते थे ना वो बुढ़िया के बाल कैंडी, लिटरली मुझे बिल्कुल वैसा फ्लेवर लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अगर मीठा कम होता ना तो मेरे लिए और अच्छा हो जाता, या तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी मीठी चीज़ें खा चुकी हूँ। बट मैंने तो यहाँ के आगे क्रीम बॉन में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छी है। आप भी यहाँ ज़रूर आएँ और हर चीज़, यानी हर चीज़ ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सी यू।